उदाहरण 23, अवकलज का प्रयोग करके अंतर्रूप 26 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। अब हम यहां आते हैं कि ये यहां हमें अंडर रूट मिला है, अर्थात ये y बराबर अंडर रूट x का रूप है। तो हमने माना कि y बराबर है अंडर रूट x। अब ऐसी संख्या जो कि 26 के सन्निकट है और उसका अंडर रूट हमें ज्ञात है वो 25 है, तो हम x को 25 ले लेते हैं और इस प्रकार डेल्टा x हमारा 1 हो जाएगा, ताकि x प्लस डेल्टा x बराबर हमें 26 मिल जाता है। हमने x अर्थात ऐसी संख्या जिसका अंडर रूट हमें ज्ञात है उसको तो हमने ले लिया x, तो स्पष्ट है कि जो 26 के सन्निकट संख्या है जिसका कि हमें वर्गमूल ज्ञात है वो 25 है, तो x बराबर 25। अब 25 में हम क्या जोड़ें कि हमें 26 मिल जाए, वो हमारा डेल्टा x होगा, तो डेल्टा x हो गया 1, अर्थात x प्लस डेल्टा x 26 हो गया। अब क्योंकि y बराबर हमने अंडर रूट x माना है, तो dy by dx बराबर होता है 1/2 अंडर रूट x। यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो हमें dy by dx मिलता है 1/2 अंडर रूट x। x का मान यहां हम रख देते हैं 25, मान कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 होता है 5, अर्थात ये मान हो गया 1/2 × 5 1/10 अर्थात 0.1। dy by dx 0.1 के बराबर है। अब हमारा सूत्र क्या है, डेल्टा y बराबर dy by dx इंटू डेल्टा x, ये हमारा सन्निकटन मान ज्ञात करने का, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ज्ञात करने का सूत्र है। यहां डेल्टा वाई अब हम निकाल सकते हैं, हमें डी वाई बाई डी एक्स पता है, डेल्टा x पता है, मान रख दिया डी वाई बाई डी एक्स है 0.1 इंटू डेल्टा x हमारा है 1, मान आ गया 0.1। अब यदि हम x में इंक्रीमेंट करते हैं, x में वृद्धि डेल्टा x है तो y में वृद्धि डेल्टा y होती है, तो इसलिए y प्लस डेल्टा y बराबर हो गया अंडर रूट x प्लस डेल्टा x। x प्लस डेल्टा x हमारा कितना है 26, तो ये मान तो हो गया अंडर रूट 26। y का मान हमारा कितना है, y बराबर है अंडर रूट x, अर्थात ये मान हो गया 5। डेल्टा वाई हमने कैलकुलेट कर लिया, ये मान है 0.1, इसलिए अंडर रूट 26 बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 26 बराबर हो गया 5.1। ये हमारा अंडर रूट 26 का सन्निकटन मान है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है।